बीते दिन पुंछ विच होए हमले दौरान मोगा दे पिंड चिड़िकदा कुलवंत सिंह शहीद हो गया सी, जिस तो बाद परिवार नाल दुख साझा करन लई मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद कुलवंत सिंह दे घर पहुंचे। इस मौके सीएम मान ने परिवार नूं 1 करोड़ की सहायता राशि दित्ती अते परिवार दे इक मैंबर नूं नौकरी देण दा भरोसा दित्ता। नाल ही उन्होंने कहा कि शहीद दे नाम ते स्कूल अते खेड स्टेडियम बनाया जाएगा ते लड़कियां दे स्कूल नूं 12वीं जमात तक कीता जाएगा। इस दौरान उन्हां साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे देहांत ते वी दुख जताया। अज जिहड़े पिंड दे विच शहीद कुलवंत सिंह जिहड़े पिछले दिन जम्मू कश्मीर दे विच सरहदां दी राखी करन दी ड्यूटी करदे हुए शहीद होए, उन्हां दे घर आए हां, श्रद्धांजलि भी दित्ती है, परिवार नूं मिले हां। शहीद जिहड़े ने कौम दा सरमाया हुंदे ने, उह इक परिवार दे नहीं उह समाज दे हो जांदे ने। सो उन्हां दे परिवारां दी देखरेख करना, उन्हां दे परिवारां नूं आर्थिक तौर पर जां कोई समाजिक तौर पर कोई दिक्कतां ना आउण, इह साडा फर्ज बणदा है, सरकारां दा फर्ज बणदा है, जिम्मेदारी बनती है। सो इस तों पहलां मैं शहीद हरकिशन सिंह जिहड़े बटाला दे नेड़े उन्हां दा पिंड उत्थे जा के आया, चारों शहीदां दे अज मैं घर जाऊँगा। पंजाब सरकार की जिहड़ी पॉलिसी है साडे वल्लों, जो असी दिल्ली दे विच वी इह करदे हां कि कोई भी फौजी जवान जां कोई पुलिस का जवान ड्यूटी दौरान शहीद होंदा तां 1 करोड़ रुपये का सम्मान राशि, हालांकि 1 करोड़ रुपया उहदी जान की कीमत नहीं हो सकती, वह तो अरबा खरबा भी नहीं हो सकती, कुरबानी की कीमत कोई नहीं, शहीदी की कीमत कोई नहीं होंगी, पर यह 1 करोड़ रुपये नाल परिवार जिहड़ा आर्थिक तौर पर लीह ते चढ़िया रहिंदा, ते नाल नाल फौज वल्लों भी असी जिहड़ा उन्हां नाल संपर्क चा, ते नौकरी जो बनती है, बच्चे तो छोटे ने, सो उन्हां दी पत्नी जिहड़ी है जो फौज के मुताबिक निजमां मुताबिक जो भी कई बार फौज कह दिंदी है कि साडे कोले इत्थे असी रख सकते हैं, नेड़े तेड़े हुंदा कैंट, तो उत्थे नहीं तो फौज सानू डेपुटेशन ते भी दे दिंदी है कि क्योंकि बच्चे छोटे ने, इस करके घर के नेड़े तेड़े कि आले दुआले के रेडियस तो नौकरी करके वापस शाम को घर आ सकन। सो ये असी मेक श्योर करांगे परिवार को किसी किस्म की कोई दिक्कत जी नहीं आने दी जाऊगी। ये शहीद जिहड़े ने पहला आजादी लैण दे विच भी साडा योगदान, फिर आजादी नूं कायम रखण दे विच भी, इस परिवार लई तां इस गल्लों भी खास है कि इन्हां दे पिता जी कारगिल दे विच शहीद होए, इको परिवार चों दो शहीदियां हो गए आजादी नूं कायम रखण लई, पहला लैण लई साडी कुरबानियां पंजाबियां दीआं होईआं, फिर आजादी नूं कायम रखण लई इन्हां ने जो प्यो पुत ने कुरबानियां दित्तीआं, और स्कूल दा नाम शहीद कुलवंत सिंह दे नाम पर रख्या जाऊगा, और दोनों प्यो पुतों के पुत भी जिहड़े ने वो यादगार के तौर पर लगाए जाएंगे। तो कोई होर भी क्योंकि बड़ा पिंड है, अजे तक स्कूल भी जिहड़ा वो प्लस टू का नहीं है, स्कूल भी अपग्रेड करांगे ताकि इतों के बच्चे बच्चिया जिहड़े ने वो इत्थे पढ़ सकन, ते आले दुआले पिंडा च ना जाना पवे, तो ग्राउंड जिहड़ा खास तौर पर क्योंकि ग्राउंड के प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड के एक्सरसाइज करनी है, ताकि होर भी फौज के जाने वास्ते या कि पुलिस के भर्ती होने वास्ते या वैसे अपने फिटनेस वास्ते जो बच्चे ने जो चिड़कदी तो कबड्डी की टीम बहुत फेमस रही है, छोटे जो हुंदा सी मैं तो साडे पिंड के भी आले दुआले के पिंडां च जिन्ने भी टूरनामेंट होंदे सीगे उस चिड़कदी टीम बहुत नामी टीम होंदी सी। सो खेडां वल भी प्रेरित करांगे, ते पंजाब सरकार वल्लों अज साडे MLA साहिबान बागा पुराना, MLA न्याल सिंह वाला, MLA मोगा ये साढ़े दरम्यान मौजूद ने, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत परिवार को नहीं आती। देखो जी, शहीद कुलवंत सिंह के घर अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मान जी हुणी आए थे, असी भी उन्होंने तो मंगा करियां, परिवार ने भी मंगा करियां, असी साबका सैनिक तौर पर दस्या भी पिंड च ये कमी है, पहले तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये का चैक दिता, सानू बड़ी खुशी हुई, माण भी है, दुख तो सीगा कि साडा साथी फौजी चला गया, पर सानू माण यह है पैसे ना भुगाई तो नहीं होंगी, पर फिर भी चलो फायदे वाली गल है। उस तो बाद उन्होंने असी उन्हों का पिता शहीद हो गया सी कारगल के, असी वो बारे तो कुलवंत सिंह जिहड़ा शहीद होया
भी दोनों का बुत कट्ठा लाया जाए जिथे उन्हों का अंतम संस्कार होया। उदू बाद उन्होंने डी सी साहब खुद बुला के कहा कि इन्हों का दोनों का बुत कट्ठा लाया जाऊगा, उदों बाद बंदोबस्त किया जाए और कार्रवाई शुरू करी जाए। असी दूजी मंग उन्हों तो यह की सी भी साढ़े जोड़ा सरकारी हस्पताल है जगह की कोई कमी नहीं, पिंड जगह वाधू है, मंजूर भी दो तीन बार होया पहला नहीं बनया भी वो सरकारी हस्पताल बनाया जाए, वो कहते ठीक है बनाया जाऊगा। उस तो बाद स्टेडियम स्टेडियम की असी मंग की भी स्टेडियम साढ़ा मशहूर जो कि पिछों तो चल के आ रहा कि चिड़ियाके पिंड की कबड्डी तो मखण डीपी चाहे होर प्लेयर बहुत तकड़े ये पिंड ने पाल के तैयार किए हैं, उन्होंने कहा भी ठीक है स्टेडियम तैयार किया जाऊगा। उस तो बाद असी दस्या भी तीन साढ़े पंचायत के तीन सरपंच है तो अज तक साडा प्लस टू का स्कूल नहीं बनया लड़कियों का, लड़के साडे कोई झंडियाने बन जाता है, कोई घोलगे बन जाता है, कोई रणिए बन जाता है, कोई मोगे जाता है, वो आते भी ठीक है प्लस टू का स्कूल भी बनाया जाऊगा क्योंकि बच्चा अगर देख रेख के अंदर पढ़ाई करेगा तो वधिया पढ़ाई करेगा और वधिया रहेगा, इस करके उन्होंने वो भी मंजूर किया भी बनाया जाऊगा। देखो जी असी भी नाल दसिया भी बच्चों नौकरी मिलनी चाहिए है, वो आते भी ठीक है नौकरी दी जाऊगी। जी मेरी यही मांग जी बच्चों पढ़ा जी बस नौकरी मिलनी चाहिए। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी, हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।